हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड स्टडीज 8। सो आप सभी जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन की तरह इसलिए हम इसे नहीं सॉल्व कराएंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और माइंड लगाने वाला है। चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग देख रहे होंगे कि 3/7 आ गया है। अब पहले तो हम लोग ऐसे करते थे, अब आ गया 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स को लिख देंगे। अगर इस किसी भी डिजिट के आगे कोई पावर नहीं रहती तो हम मान लेते हैं कि वह पॉजिटिव टू है, तो इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 17/7 माइनस 3/7। आप जानते होंगे कि अगर नीचे का दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग भी इसे सेम कर देते हैं, तो ये सेम हो जाएगा। फिर ये 17 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 17 माइनस 3, आप जानते ही होंगे कि 14/7। अब आप जानते होंगे कि ये कट जाएगा, 7 1 7 7 2 14 है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।